विरामक बाद एक बेर फेर सँ नेने एलहुँ हैं समाज समग्र। समाज में अब समय भऽ रहल अछि सोझा सोझी गप शप के। आइ हमरा सभक संग छथि हस्तशाल क्षेत्र के वार्ड नंबर 122 सँ निगम पार्षद विजय सोलंकी। आओ देखै छी ई गप शप। सोझा सोझी गप शप के आजुक अंक में हमरा संग छथि हस्तशाल वार्ड नंबर 122 के निगम पार्षद श्री विजय सोलंकी जी। आओ हिनका सबसे पहले हम इनकर स्वागत करियन। विजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जो आपके क्षेत्र में पानी की जो समस्या है उसका निदान कब तक हो पाएगा? देखिए, जल बोर्ड जो है ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत का विभाग है और मेरा जो वार्ड है ये दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड है। इसमें लगभग 86 पोलिंग बूथ हैं, तो इस 86 पोलिंग बूथ में हमारा जो मोहन गार्डन के साथ लगती हुई अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनमें अभी जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछनी शुरू हो चुकी हैं, और लेकिन अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा रहता है जिसमें अभी पाइपलाइन बिछनी बाकी है और उनमें प्रॉपर पानी का जो वो फ्लो है वो उतना नहीं है, प्रेशर पूरा नहीं है। अभी भी काफ़ी पब्लिक इस चीज़ से परेशान है और पर्याप्त मात्रा में हमारी जितनी भी बापड़ोला नंगली विहार एक्सटेंशन और प्रधान एन के लिए प्रशांत एन के लिए बहुत सारा इतना जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ मेरी इस वार्ड में लगभग 50 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जिसमें दो गांव बापड़ोला और बकरवाला, इनमें जल बोर्ड का पानी आता है लेकिन इसमें भी प्रॉपर नहीं है। बकरवाला गांव में UGR बना हुआ है, उसमें टैंकर से पानी डालते हैं और तब वो फिर बाद में उसको UGR से पानी सप्लाई किया जाता है। तो अभी बहुत कुछ इसमें करने का है और मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार इसमें पूर्णतया फेल है। पेयजल की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। टैंकर आते हैं, टैंकरों से पानी भेजा जाता है और टैंकरों की भी उस पर भी राजनीति होती है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको एक एक कार्यकर्ता के यहाँ दो दो टैंकर खड़े होते हैं और वैसे आम जन जो है आम आदमी इस चीज़ से बहुत परेशान है। तो ये एक तरह से सरकार दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। आपके बापड़ोला में एक राजीव रत्न आवास योजना बन रही है, उसमें बहुत सारे घटिया मटेरियल यूज किए जा रहे हैं और अभी लक्ष्मीनगर में जो बिल्डिंग गिरी है वो हादसा पूरे मतलब दिल्ली ही नहीं देश को हिलाकर उसने रख दिया है। तो क्या आपको लगता है जो ये समस्या आगे जाके फिर एक बड़ी समस्या बनने वाली है? राजीव रतन की योजना को मैं एक बहुत बड़ा घोटाला मानता हूँ। राजीव रतन की योजना जहाँ पर हमारे जब स्वर्गीय साहिब सिंह जी वर्मा थे उन्होंने 500 बीघा जमीन एक्वायर की थी गाँव के विकास केंद्र के लिए, गांव के ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए, तो उस विकास केंद्र की योजना को निरस्त करते हुए इन्होंने उस स्कीम को चेंज किया और उसके बाद इसमें ये राजीव रतन के फ्लैट लेकर आए और जिस स्थान पर राजीव रतन के फ्लैट बनाए गए हैं वहाँ जब गांव की जो लास्ट पंचायत थी उसके मेरे पिताजी उसके नॉमिनेटेड प्रधान थे, उन्होंने वहाँ पर 32-35 एकड़ में एक हॉर्टिकल्चर पार्क बनाया था, औषधीय वृक्ष, जो दिल्ली सरकार के उस समय के जो मंत्री थे हारून यूसुफ जी उन्होंने यहाँ पर भी विधिवत रूप से उद्घाटन किया था और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हर जगह उसका वो हॉर्टिकल्चर पार्क लिखा हुआ है, दर्ज है, और पंचायत का जो रेजोल्यूशन है उसमें भी वो चीज़ दर्ज है। हमारे पास उस सब चीज़ के सबूत हैं और यहाँ पर हजारों नहीं लाखों पेड़ थे और लाखों पेड़ वो सारे औषधीय वृक्ष थे जिसमें आंवला का और ये नीम का अर्जुन का इस प्रकार के ऐसे औषधीय वृक्ष यहाँ पर थे और इन्होंने रातों रात क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ठेका दे रखा है जो आंध्रा की कंपनी है और रातों रात इस सारी जमीन पर पीछे से दीवार तोड़कर ये घुसे हैं और कोई भी ना गांव को कंपनसेट किया गया, ना उस जमीन का कोई मुआवजा, ना उसका कोई हिसाब किताब, ना इस तरीके से। और जो काम जैसे आपने मटेरियल की बात की है, एक 4 सूत का सरिया है, ना कोई कॉलम है, ना कोई बीम है और जो ये राखी की बनी हुई ईंटें हैं वो उसमें इस्तेमाल होती हैं, खाली स्लेब डाल करके स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर इसका बहुत ही कमजोर है, बुनियाद भी मैं नहीं समझता कि इसका जो ढांचा है। तो जब मैंने एक दो बार वहाँ इनके अधिकारियों से बात की तो पता चलता है कि ना तो मीडिया के लोगों को, ना किसी जनप्रतिनिधि को, ना आम जनता को वहाँ कोई घुसने नहीं देता। क्या चोरबाजारी वहाँ पर हो रही है वो किसी को कुछ नहीं पता। आपके क्षेत्र के मतलब जो स्टेडियम सब बने वो पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में बने, कोई भी विकास मतलब स्टेडियम एक भी स्टेडियम कॉमनवेल्थ के लिए इधर नहीं बना, लेकिन जितने भी मेडल्स आए हैं वो इस बाहरी दिल्ली से आप लोगों के क्षेत्र से आए हैं, तो इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कुछ करना चाहेंगे आप लोग? जो बात आपने कही है मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें से हमारे देश में 101 मेडल आए हैं
उसमें से 33% मेडल हमारा जो दिल्ली देहात और हरियाणा है इसके बच्चों ने जीते हैं, और हमारा जितना भी दिल्ली देहात है इसमें कोई भी मेडल नहीं है। हमारा नजफगढ़ से सहवाग है, हमारे गांव के सुशील हैं विश्व विजेता, और इनके नाम पर स्टेडियम बनाने की दिल्ली सरकार घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन आज तक चाहे पूरा दिल्ली देहात हो या हमारे गांव के आसपास का इलाका हो, यहां पर कोई भी स्टेडियम बनाने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया गया है। ये शीला दीक्षित की बहुत बड़ी अनदेखी है हमारे इस देहात के प्रति। और जब साहिब सिंह जी वर्मा मुख्यमंत्री थे तो हर रोज यहाँ इस क्षेत्र में वो आते थे, इसकी चिंता करते थे। अब 900 करोड़ रुपया कॉमनवेल्थ गेम का 5% हिस्से में लगा दिया गया, बाकी के जो 95% हिस्सा है वो इस विकास से, इस खेलों के जो स्टेडियम वगैरह डेवलप किए गए हैं उससे पूरी तरह से अछूता रहा है। और अगर जैसे अपना इंदिरा गांधी स्टेडियम है, ये हमारे दिल्ली देहात से बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल टच करता हुआ है, तो अगर कुछ स्टेडियम यहाँ बनाए होते तो ये पूरा देहात भी अच्छे तरीके से विकसित होता और यहाँ के खिलाड़ियों को इस चीज़ का बहुत बड़ा लाभ मिलता और आने वाले समय में देश के जो खेल का परिदृश्य है वो बदल सकता था। लेकिन इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया है, हमारे इस क्षेत्र की पूरी तरह किस तरीके से अनदेखी की गई। पेंशन योजना जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं के लिए पेंशन, और अभी रिसेंटली एमसीडी ने एक घोषणा करी है जो किन्नरों को भी 1000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, तो ये योजना जो चल रही है ये कितना सफल है और किन्नरों वाली कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, पेंशन की जो बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये योजना जितनी लोगों को लाभान्वित करना चाहिए लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जब से मैं अभी निगम पार्षद बन के आया हूँ तो मेरे वार्ड में कुछ 600 के आसपास पेंशन लगी हुई थी, और उसी समय पूरे दिल्ली में एक सर्वे चल रहा था और उस सर्वे में ऐसा पाया गया कि बहुत सारे लोग जो विधायक और निगम पार्षद दोनों से पेंशन पाते थे। तो ये वास्तव में गंभीर विषय है कि एक आदमी है, वो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, और अगर वो नहीं भी पेंशन ले तब भी वो पेंशन बनवाता है, तो इसमें जो है ना बहुत ही एक तरह से लोग इस पैसे को अगर हम विकास में कहीं लगाएं तो बेहतर है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको मानता हूं कि बहुत जो ज़रूरतमंद है, विधवा है, विकलांग है, जो बुजुर्ग हैं, उनको दी जानी चाहिए, और अगर पेंशन कटती है तो फिर लोग अल्लाह मचाते हैं। अब रुकी हुई पेंशन है, दिल्ली सरकार एमसीडी को फंडिंग नहीं कर रही, तो अभी भी मेरे इस वार्ड में कम से कम 9-10 महीने की पेंशन रुकी हुई है। जो पिछला बैकलॉग है दिसंबर 2009 तक की पेंशन अभी क्लियर हुई है, बाकी 9-10 महीने की पेंशन अभी भी रुकी हुई है, तो फंड्स की कमी है, और इसलिए सारा एलिगेशन हमें हर रोज इस चीज़ से जूझना पड़ता है, हमें भुगतना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। ये आपके बिल्कुल बगल में सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, जो आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, आप निगम पार्षद हो, और लेकिन फिर भी सड़कों की समस्या, खासकर मेन रोड जो है वो गड्ढे में तब्दील हो चुका है, उसमें पानी लगे पड़े हैं, तो इसके लिए मतलब कल हमारी एमएलए से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा जो हाँ बहुत जल्दी ये ठीक होगा, और उन्होंने ये बात भी स्वीकार करी है जो कॉमनवेल्थ गेम के कारण पश्चिमी दिल्ली का विकास अवरुद्ध हुआ था, तो आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, ये जो नांगलोई नजगढ़ रोड है इसमें इसकी हालत 15 वर्ष से ये रोड बिल्कुल उपेक्षित है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, और अभी इसकी हालत ज़्यादा ख़राब इसलिए हुई कि हमारे बापडोला से और नीलोठी मोड़ तक इसमें दिल्ली जल बोर्ड का शिविर का काम चल रहा है, तो शिविर के काम की खुदाई के कारण ये रोड टूट गया था। अब दिल्ली सरकार ने पैसा एमसीडी को देना है, और वो आरआर कट का, रोड कटिंग का जो पैसा है, जब उसमें पूरा पैसा जमा हो जाएगा, कुछ रकम दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दी है लेकिन पूरी रकम अभी नहीं आई है, और इस विषय में मैंने भी काफ़ी प्रयास किया है, और दिल्ली के उप महापौर राजेश गहलोत जी जो मेंबर डीडीए भी हैं, उन्होंने इसको डीडीए बोर्ड में उठाया कि नजफगढ़ से ढांसा तक और नजफगढ़ से उत्तम नगर टर्मिनल तक और नजफगढ़ से नांगलोई तक, ये जो प्रमुख रोड हैं, इनको डीडीए द्वारा विकसित कराया जाए, डेवलप कराया जाए, और उन्होंने कहा कि ज़मीनें ली गई हैं और एक एक प्लॉट को करोड़ों रुपए में डीडीए बेचती है, तो कुछ पैसा दिल्ली की सड़कों को डेवलप करने में भी डीडीए खर्च करें। तो उपराज्यपाल जी के यहाँ बैठक हुई थी
और उसमें इन्होंने इस चीज को मंजूर कराया। तो हमारा जो नांगलोई नजरगढ़ रोड है इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और 5-6 महीने में इसको सीसी का काम होगा और ये विदेशी तकनीक से इसको बनाया जाएगा। और उस समय ये सारा पैसा दिल्ली विकास प्राधिकरण इस पर खर्च करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सड़क को बनाया जाएगा। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और हम सब इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसमें दिल्ली सरकार और यहाँ के विधायकों का इसमें कोई सहयोग नहीं है। दिल्ली के जो DDA मेंबर हैं राजेश गहलोत जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत प्रयास करके हम सब की इस मांग को स्वीकार किया और जल्द ही इसका हम विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करवाएंगे और उद्घाटन करने के बाद उस काम को छोड़ नहीं दिया जाएगा, तुरंत उसी दिन से इस काम को शुरू कराया जाएगा। तो ये बहुत जल्द आप इसको देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सड़कें बनने वाली हैं। MCD कमिश्नर पे बार बार उंगली उठती है और अभी लक्ष्मीनगर में जो हादसा हुआ है उस पर भी कमिश्नर पे उंगली उठी है, तो क्या ये कमिश्नर जो है वो शीला दीक्षित के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे उनके व्यवहार से, उनके आचरण से और उनके कार्यशैली से मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार का उनका होगा कि किसी पार्टी या किसी मुख्यमंत्री के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो IAS अधिकारी हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो बहुत ही योग्य अधिकारी हैं। और बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो हमारे देहात से ही हैं, नजरगढ़ से आगे मुंडेला गांव है, वहाँ के मूल निवासी हैं और हमें उनसे हमेशा सहयोग मिलता है। इस प्रकार की मेरी व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता कि वो किसी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो एक काबिल अफसर हैं और अपने तरीके से अपने निर्णय वो खुद समझदारी से लेते हैं। सोझा सोझी गपशप में अखन हमरा लोकनिक संग छला विजय सोलंकी, जे गपशप के लेन अपना क्षेत्र में भेल काम काज पर। आजुक समाज समग्र अबते शेष हो जा रहल अछि, मुदा जाय सब पहिने अहाँ सबके देखायब अपन पता, जाहि सँ अहाँ सब अपन समाज हमरा लोकन तक पहुँचा सकी। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समदिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँ के इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी DV टेप या DVD पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाक नामक संग अहाक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता है समाद सौभाग्य मिथिला TV A6/1 मायापुरी Phase 1 नई दिल्ली। जँ अहाँ लोकन के आर कोनो जानकारी चाही तो हमरा लोकन के फोन करू। हमरा सभक नंबर है 9654186001, 9654186004। आजुक समाज समग्र आवेते समाप्त हुआ जा रहा है, मुदा याद दियाबो चाहब जे काल्हि साँझ 7 बजे समाज दिल्ली देखनाई नहीं बिसरब। अखन हमरा अनुमति दिया, नमस्कार।